हेलो गाइज, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। सो गाइज, हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बढ़ते हुए अपने उसी क्रम में आज हम वीडियो में जो हमारा अगला टॉपिक हम लेकर के आए हैं स्टाइल्स का। जी हाँ, स्टाइल्स ऑप्शन, स्टाइल्स टैब जो है इसके बारे में हम बात करेंगे वर्ड में। तो समय नहीं नष्ट करूंगा और बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है स्टाइल्स। जी हाँ, स्टाइल्स टैब क्या होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। जो पहले लास्ट हमारा टॉपिक था पैराग्राफ टैब, ठीक है, पैराग्राफ ऑप्शन सारा समझा दिए गए आपको, एक चीज़ बता दी गई। तो गाइज़, आपसे मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि आप अपने नोट्स प्रॉपर बनाते चलिए, तभी आपको समझ में आएंगी चीज़ें। होगा क्या कि आप नई चीज़ें सीखेंगे और पुरानी भूलते जाएंगे। तो बात कर रहे थे हम स्टाइल की, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टाइल्स पे है। तो गाइज़, स्टाइल का पहले मतलब समझ लेते हैं। स्टाइल का मतलब ये होता है कि आपने जो भी टेक्स्ट है, आपका जो भी फॉर्मेट है, उसका जो लुक आने वाला है वो किस टाइप का आएगा, विच टाइप ऑफ लुक, ठीक है। जो भी आपका टेक्स्ट एरिया है या अभी आपके जो भी पैराग्राफ हैं, जो सेंटेंसेस हैं, उनका जो एक फ्रेमवर्क है, वो जो आउटपुट आएगा वो किस तरीके का दिखने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक, मैंने रैंड फंक्शन को इस्तेमाल करके एक यहाँ पे पैराग्राफ ले लिया रैंडमली, जो बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेट होता है, ठीक है। तो मैं बाकी फालतू के जो भी हमारे पर टेक्स्ट है उसको मैं मिटा देता हूँ, आपको इजीली दिखाता हूँ, ठीक है। तब एक बार दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया, जो भी हमारा सेलेक्टेड एरिया था, आप देख रहे हैं, जो भी आपके स्टाइल्स के ऊपर मैं लेके जा रहा हूँ अपने कर्सर को, जिस कर्सर पर लेके जा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग हमारा जो भी स्टाइल शीट है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पहले मैं सारा टेक्स्ट हटा देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए चीज़ें, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टाइल को कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले हमको बता चुके हैं कि कोई भी चीज़ अप्लाई होगी वर्ड में या आपके एमएस के पैकेज में, एमएस ऑफिस के पैकेज में, सारा सिलेक्टेड पोर्शन पे ही अप्लाई होता है। अब हमने यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद, जैसे ही हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पे आए, देखिए यहाँ पे हम जिस भी टैब पे जा रहे हैं स्टाइल के जिस ऑप्शन में जा रहे हैं, ऑटोमेटिक उसी स्टाइल पे आ जाता है। ये इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जब हम कभी बुक वगैरह लिखते हैं या कोई थीसिस वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत हेल्प करता है। ऑटोमेटिकली प्रीडिफाइन हमारे पास स्टाइल शीट होती हैं, उन स्टाइल्स को हम अप्लाई कर लेते हैं अपने बने बनाए फॉल्ट पे, अपने बने बनाए पैराग्राफ पे, अपने सेंटेंसेस पे ईजिली हम अप्लाई करते हैं, हमें फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम बात करते हैं स्टाइल के आगे, ठीक है। तो स्टाइल में जैसे हम लास्ट में आपको ये समझ में आ गया कि हमें अप्लाई कैसे करना है, उसके बाद बात आती है चेंज स्टाइल्स की। तो चेंज स्टाइल्स टैब होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो गाइज, जैसे कि हम चेंज स्टाइल लिखा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो हम अप्लाई करके देखते हैं कैसे अप्लाई होंगी। हमने चेंज स्टाइल पर क्लिक किया, देखिए आपको यहाँ पे कलर्स दिख रहा है बहुत सारे, यहाँ पे इनके प्रीडिफाइंड कलर है, आप किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट एरिया को, अपने सेंटेंस को, अपने स्टाइल को एक नया लुक देने के लिए। उसके बाद आती है फॉन्ट की बात। फॉन्ट पे जाकर के आप अपने मनपसंद कोई भी फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको स्टाइल शीट आपको समझ में आ गई, स्टाइल शीट क्या होती है आपके सामने, जो स्टाइल शीट अब बहुत सारी हैं मैंने अप्लाई कर दी, वो आपकी स्टाइल शीट होती हैं। तो गाइस, उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो गाइस ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट होगा तभी मैं अगले वीडियो बनाऊँगा, अदरवाइज़ मैं स्किप कर दूँगा टॉपिक। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।